मध्य प्रदेश के देवास में दो साधुओं को लोगों ने पीटा। भिक्षा मांगने गए यूपी के दो साधुओं को लोगों ने रोहिंग्या मुसलमान समझकर पीट लिया। यूपी के दो साधुओं रोहित जोगी दीपक जोगी को लोगों ने रोहिंग्या मुसलमान समझकर पीटा। एमपी पुलिस ने जांच के बाद क्लीन चिट देकर दोनों को छोड़ा। मासियों ने उनका परिचय पूछा, शंका होने पर विस्तार से पूछताछ करने पर ये रोहिंग्या निकले और कई प्रकार की इनके पास से विदेशी करेंसी प्राप्त हुई। डायल सौ पर खबर कर दी गई है, आगे की कार्यवाही पुलिस करेगी। हाँ अरे भाई, अरे प्रतिपाल सिंह, वो विदेशी करेंसी दिखाना है इधर। ये देखिए, ये भूटान के नोट है, राम जी का नाम नेपाल का है, राम जी के भाई का नाम रहीम, श्री राम के भगवान का नाम, भाई का नाम पूछा इनसे तो इन्होंने रहीम बताया। ये देखिए, ये रोहिंग्या लोग ग्राम देवगढ़, तहसील हाट पिपलिया और जिला देवास में पकड़े गए। आधार कार्ड की फर्जी है, आधार पे इन्होंने फर्जी बनवा रखा है। आधार कार्ड का इनका जवाब, ये फर्जी आधार कार्ड बनवा के बहुत देखो, एक ही जन्म तारीख का आधार कार्ड, और ये आदमी 2007 को है। देखो ये 16 साल की उम्र है, ये 16 साल का है आधार कार्ड के हिसाब से, 21 साल का है, 21 साल के है। ये दोनों 30-40 साल के हैं। बैठ लो। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।